Are you, I hope you all will be fine. So, today we will start chapter 5 Kingdoms, Kings, and an Early Republic of History. Okay, kingdoms means Sotah Raj, kings means Raja, and an early republic means Prachin Gandraj. Okay, now election day. Shankaran woke up to see his grandparents already ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Sankaran wanted to know were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, We can choose our own rulers today. How some men became rulers? So, choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the Rajas we read about in chapter 4. were probably chosen by the jana, the people. But around 3,000 years ago, we find some changes taking place in the way in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. तो इलेक्शन डे, मतलब चुनाव का दिन, तो जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे इलेक्शन पोलिंग बूथ, है ना? पोलिंग बूथ मतलब जहां पर लोग वोट देते हैं ना पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने एक्साइटेड क्यों थे उसके ग्रैंडफादर ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा आज हम अपने रूलर का चुनाव करने जा रहे हैं ओके वी कैन चूज अवर ओन रूलर टूडे तो हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स कुछ लोग शासक कैसे बने तो लगभग फिफ्टी ईयर्स पचास वर्षों से हम अपने रूलर्स का चुनाव वोटिंग के जरिए करते आ रहे हैं लेकिन बहुत पहले लोग रूलर कैसे बनते थे हमने चैप्टर चैप्टर सॉरी में ये पढ़ा है कि कुछ किंग्स जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे पीपल्स के द्वारा लेकिन लगभग करीब थ्री थाउजेंड ईयर्स एगो तीन हजार साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ चेंजेस दिखाई दिए कुछ लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइसेज मीन यज्ञ को आयोजित कर रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज कर सॉरी रिकॉग्नाइज कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे ठीक है अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था इसमें एक हॉर्स घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था ऐसे ही घूमने के लिए अब इस हॉर्स को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी फाइट करनी पड़ती थी और अगर उन्होंने घोड़े को या हॉर्स को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा पावरफुल था इसके बाद उन राजाओं को सेक्रीफाइस मीन्स यज्ञ में अब इनवाइट किया जाता था और ये सेक्रीफाइस स्पेशल प्रेस्ट प्रीस्ट मींस पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था इसके लिए उन्हें गिफ्ट भी दिया जाता था उससे सम्मानित किया जाता था तो अश्वमेध सैक्रिफाइस करने वाला राजा बहुत पावरफुल माना जाता था सैक्रिफाइस में इनवाइटेड सारे किंग्स उसके लिए गिफ्ट लाते थे और इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था उसे राज सिंहासन मतलब थ्रोन सॉरी स्पेशल सीट या बाघ की खाल टाइगर की स्किन के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था है ना और बैटल ग्राउंड मतलब युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था ओके चैरियोट मतलब रथ होता है और चैरियोटियर मतलब होता है सारथी है ना तो सेक्रीफाइस के अवसर पर वह राजा की विजयों मतलब उनकी जो जीत होती थी और भी अन्य गुणों का गान करता था तो राजा के रिलेटिव्स खासकर उनकी क्वींस है ना या उनकी वाइव्स और उनको उनके संस को भी कई छोटे-छोटे सैक्रिफाइसेस करने होते थे यज्ञ करने होते थे और सारे इनवाइटेड किंग्स का, का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था ठीक है तो राजा के ऊपर प्राइस्ड पवित्र जल होली वाटर के छिड़काव के साथ साथ और भी बहुत से रिचुअल्स करते थे ठीक है विस या जैसे सामान्य लोग जो थे वो गिफ्ट लाते थे जिन्हें मानते थे और उन्हें कई रिचुअल्स में शामिल नहीं किया जाता था अनुष्ठानों में ओके यू हेयर वर्ण अब वर्ण क्या है वर्ण तो इस समय नॉर्थ इंडिया में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई अः बुक्स जो थी वो कंपोज की गई है ना गई कई ग्रंथ रचे गए तो ऋग्वेद ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं ओके लेटर वैदिक मींस उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं तो इनके अंतर्गत सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद और भी अन्य बुक्स शामिल है तो प्राइस्ट द्वारा कंपोस्ड इन बुक्स में कई प्रकार के रिचुअल्स और उनके संपादन की विधियां मतलब वो कैसे किए जाते हैं डिस्क्राइब किया गया है ठीक है और इनमें सोशल रूल्स जो हैं सामाजिक नियम है ना उनके बारे में भी बताया गया है तो उस समय सोसाइटी में कई ग्रुप्स थे जिनमें प्राइस्ट वारियर्स मीन्स योद्धा फार्मर मीन्स किसान हर्डर मीन्स चरवाहे ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी क्राफ्ट पर्सन मीन्स शिल्पकार है ना लेबर मीन्स श्रमिक फिशिंग फोक मतलब मछली पकड़ने वाले और फॉरेस्ट पीपल मीन्स जंगल में रहने वाले ठीक है ये लोग शामिल थे तो जहां कुछ प्राइस्ट और वॉरियर वैभवशाली थे ठीक है रिच थे तो वहीं कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी रिच थे और दूसरी ओर हर्डर्स क्राफ्ट पर्सन, फिश फिशरमैन है ना फिश पकड़ने वाले और हंटर गैदर ये सब पुअर थे निर्धन थे ठीक है जो तो प्राइस ने लोगों को फोर पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड किया ओके फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया नॉट पार्ट्स तो जिन्हें वर्ण कहते हैं तो उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे तो पहला वर्ण ब्राह्मणों का था उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना था ठीक है मतलब स्टडी करना और सैक्रिफाइसेस वगैरह कराना जिनके लिए उन्हें गिफ्ट मिलता था दूसरा स्थान था किनका किंग्स का शासकों का है ना जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था तो उनका काम बैटल्स फाइट करना था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना अब थर्ड स्थान पर कौन था विश्व या वैश्य आपके फार्मर्स आ, हर्डर्स और ट्रे, ट्रेडर्स आते थे तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था ठीक है वर्णों में लास्ट प्लेस था सूद्रो का तो इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना सर्व करना और इन्हें कोई रिचुअल मींस अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था प्राय वुमन्स को भी शूद्रों के समान माना गया वुमन्स और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था ओके नाउ जनपद

किला एंड डले ही हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा नियर ईटा द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश ये जो हैं हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जो है ईटा है ना ये उत्तर प्रदेश के हैं दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट्स एंड केप्ट कैटल एज़ वेल एज़ अदर एनिमल्स दे आल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स राइस व्हीट बारली बारली पल्सेस शुगर केन सीसम एंड मस्टर्ड ओके तो महायज्ञों बिग से महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे जनपद का आ, अर्थ है जन के बसने की जगह जहां लोग रहते हैं ठीक है तो वो जनपद कहलाते थे तो कुछ इंपॉर्टेंट जनपद आपको मैप आप नंबर फोर में दिए गए हैं है ना तो आर्कियोलॉजिस्ट इन जनपदों की कई बस्तियों में बस्तियों की खुदाई की है दिल्ली में पुराना किला, ओके। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें स्पेशल है। तो खुदाई से पता चला है कि लोग हट्स में रहते थे झोपड़ियों में कैटल्स मीन्स मवेशियां और अदर एनिमल्स को पालते थे वे राइस व्हीट पैडी बार्ले पल्सेस सुगर कैन सीसम मीन्स होता है तिल और मस्टर्ड मींस होता है सरसों जैसी ग्रेन्स वो उगाते थे ओके okay? तो यहाँ एक साइड में देखें आपको एक वो दिया हुआ है ग्रे वेयर ग्रे वेयर मीन्स होता है, है ना तो इस तरह के वेयर या इस तरह के इस तरह के बाउल्स में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं, ठीक है ये बाउल्स बहुत ही पतली सतह के और सुंदर और चिकने हैं ओके okay? नाइस है स्मूथ सर्फेस के हैं ओके okay? तो शायद इसका यूज स्पेशल इस ओकेशंस में किया जाता रहा होगा या इम्पोर्टेंट पर्सन को भोजन परोसने के लिए खाना सर्व करने के लिए किया जाता था ओके तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या इस लिस्ट में आपको किसी ऐसी क्रॉप का नाम मिला है जिसका डिस्क्रिप्शन जो है जो मेंशन किया गया हो चैप्टर फोर में ना किया गया हो जिसका मेंशन ठीक है तो वो आप देखेंगे नाउ दे मेड अर्थन पॉट्स लोग जो थे मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे अर्थन पॉट मीन होता है मिट्टी के बर्तन है ना तो इनमें कुछ ग्रे कलर के सम ऑफ ग्रे इन कलर अदर वर रेड ओके तो इनमें कुछ ग्रे कलर के और कुछ रेड कलर के होते थे तो इन साइड्स में कुछ स्पेशल टाइप के पोट्रीज मिली है है ना बर्तन मिले हैं जिन्हें है, पेंटेड ग्रे वेयर ओके okay? मीन्स पात्र कहा जाता है पेंटेड ग्रे बियर इसके रूप में जाना जाता है जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि इन वेजल्स पर इन पर पर या पॉट्स चित्रकारी की गई है पेंटिंग की गई है तो ये आमतौर पर सिंपल लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है ना ज्यामितीय आकृतियां के रूप में है जो इनमें पेंटिंग की गई है ओके Tomorrow we will read about Mahajanpan.